हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, इस दौड़दार भरी जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग हमारी टांग पीछे की तरफ खींचते हैं। ऐसे समय में हमारा आगे बढ़ना तो मुश्किल हो ही जाता है, उस जगह पर भी ये लोग हमको ठहरने नहीं देते। अब इनसे मुकाबला करें, इनसे निपटें या फिर अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ें। बहुत दुविधा भरा समय आ जाता है, हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता कि हम ऐसे लोगों को समय दे सके या इनसे निपट सके। समय ही कहाँ है, आगे बढ़ने के लिए समय कम पड़ता है तो इनके मुंह कौन लगेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि ऐसे लोग अपने आप अपना रास्ता छोड़ दें। ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय कर दिया जाए कि जिससे हमारा समय भी ना बिगड़े और ऐसे लोगों से हमारा पीछा भी छूट जाए। तो इसीलिए मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और अगर घर पे किसी भी अला बला यदि किसी ने करवा दी है या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ आपके पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो ऑफिस का बॉस हो या कहीं का सेठ हो या जो कोई भी हो, आपका नाते रिश्तेदार हो, आपका जानने पहचानने वाला हो, आस पड़ोस का हो, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो जो आपकी प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है और यदि आप उसको अपने मार्ग से दूर हटा देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर हटा देना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान उपाय है। क्या कीजिए, शमशान की आप कहीं से राख ले आइए। शमशान की राख लेके सूर्यास्त के पश्चात किसी भी चौराहे में उस राख से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए और पानी से उसके तरफ एक गोल सर्कल बना दीजिए। वो व्यक्ति अपनी ही उलझनों में इतना उलझ जाएगा कि उस व्यक्ति के पास अपनी उलझनों से निपटने का ही समय नहीं रहेगा, तो वो आपकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों, ये इतना कारगर उपाय है कि यदि कोई व्यक्ति परेशान में हो, परेशानी में, तो उस तक भी इस उपाय को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके। तो जब वो प्रगति करेगा तो उसकी पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, इससे आपके काम बनते चले जाएंगे। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।